गोलाष्टक से जुड़ी ये मान्यता तो हम आपको एक अन्य वीडियो में बता ही चुके हैं कि ऐसा माना जाता है कि होली से पहले 8 दिनों में भक्त प्रहलाद की नारायण भक्ति से क्रोधित होकर उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें कई तरह के कष्ट दिए थे और इसीलिए ही इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर होलाष्टक की प्रथा का आरंभ कैसे हुआ। होली की एक अन्य प्रामाणिक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता को आए, उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था उस दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी, तभी से होलाष्टक की प्रथा आरंभ हुई।